हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक एक फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके है। मैंने लिखा है टिप्स टू बिकम रिच। अमीर होने के क्या क्या टिप्स हैं और हमें जब उनको फॉलो नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो का मौजू है, वीडियो का टॉपिक है। आपसे दरखास्त है ये है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इसमें दो दोस्तों की कहानी लिखी है, एक ए है एक बी है। दोनों दोस्तों ने काम शुरू किया 25-26 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपना काम शुरू किया। दोनों की आमदन अच्छी है, तो दोनों ने जो अपनी आमदन है उसको किस तरीके से अफेक्ट किया है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ए है जो, ये मतलब ए बहुत मेहनती है, बी भी बहुत मेहनती है, लेकिन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। इसमें मैंने लिखा है जब इनका काम चल गया, समोसे वगैरह बनाते थे बहुत अच्छे, मतलब इनकी सेल थी, काफ़ी अच्छी सेल थी, तो समोसे बनाते थे, तो जब इसकी इनकम शुरू हुई तो इन्होंने अपनी आमदन से आगे लेबर रखनी शुरू की, आगे मैन पावर हायर की। जबकि ये बी ने स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन द इवनिंग, जब शराब, मतलब इसको पास आमदन अच्छी होनी शुरू हुई तो इसने अपने दोस्तों को बुलाना और दोस्तों के साथ शाम को विस्की की पार्टी शुरू कर दी। मतलब मैंने लिखा स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन द इवनिंग विद फेक फ्रेंड्स। क्योंकि किसी बहुत ही बढ़िया राइटर ने, जो इंग्लिश का राइटर है, उसने लिखा है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। ये फॉल्स फ्रेंड्स के साथ जो दोस्त उसके आते थे, जिसको मैंने फेक लिखा है, फॉल्स फ्रेंड्स के साथ शराब पीनी शुरू कर देता था जब ये इसके पास आमदन थी। तो जबकि इस आदमी ने उस आमदन से दूसरे आदमियों को रोजगार देने का काम किया और अपना काम बढ़ाने का काम किया। अगली गलती, इसने कोई भी फजूल खर्ची नहीं की। मतलब जिस तरीके की ये जिंदगी जी रहा था उसी तरीके की जिंदगी ये चलता रहा। इसने कोई अपने अपने आप में वैल्यूडेशन करने की या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। जबकि इसने कार भी ली किस्तों पर और मोबाइल फोन भी, आईफोन भी ले लिया किस्तों के ऊपर, जबकि आईफोन 1.5 लाख का है, कितना है जितनी भी मतलब वो, और कार किस्तों पर। मतलब इसकी जो आमदन थी उसको इसने दीमक लगानी शुरू कर दी। पहले तो अपने दोस्तों के साथ, फॉल्स फ्रेंड्स के साथ शराब पीनी शुरू कर दी और उसके बाद कार भी किस्तों पर हो गई, मोबाइल भी किस्तों पर हो गई। तीसरे नंबर पर, इसने सेव्ड मनी एंड इन्वेस्टेड टू मल्टीप्लाई हिज इनकम। इस बंदे ने क्या करा, अपने पैसे सेव करता रहा और इसको आगे मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी ताकि इसकी जो आमदन है वो मल्टीप्लाई हो सके। और इस बंदे ने क्या करा, स्टार्टेड ट्रेवलिंग फॉर एंजॉयमेंट। जब इसके पास पैसे हो जाते थे, सैटरडे संडे को जाता जी घूमने जा रहा है दोस्तों के साथ, टैक्सी करके जा रहा है, कहीं किसी तरीके से जा रहा है, कार से जा रहा है, होटलों में रह रहा है, तो वहां पर जाके खर्चे करने शुरू कर दिए, ये भी दीमक लगा दी। चौथे नंबर पर, लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। जो ए है ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता रहा, इसने कोई दिखावा नहीं किया। जबकि इसने शोड ऑफ हिमसेल्फ रिच, अपने आप को अमीर दिखाने की गलती करी, जबकि अमीर है नहीं था, अमीर दिखाने की गलती करी। ये टिप्स ये थे। इस बंदे को, बी बंदे को ये दीमक की तरह लगे, इसको नीचे ले आए, और ए बंदे को ये, इनको इसकी ग्रोथ ऐसे चलती रही, ये ऐसे ऊपर ऊपर को जाता रहा और ये इसकी ग्रोथ जो करता रहा, तो फिर बाद में नौकरी करने की ही नौबत इसको आई। सो हमने देखना दोस्तों कि हमने अपनी जिंदगी में अपने लिमिटेशंस या अपने कोई जो कंट्रोल्स हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको कैसे कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने मतलब पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे, पैसा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ऑगमटेनो की एक किताब है, उसमें पूरे का पूरा चैप्टर है आई विल मास्टर माई इमोशंस, के मैं अपनी भावनाओं पर काबू रखूंगा। इस बंदे ने भावनाओं पर काबू रखा, पैसे पर काबू रखा, पैसे को एक्सीलेंट सर्वेंट बनाया, क्योंकि मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। लेकिन इसने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा, अपने पैसे पर काबू नहीं रखा और खुद को
अपने आप को मुसीबत में डालता चला गया, यह अमीर होता चला गया और ये कर्ज कर्जे के नीचे आता चला गया। सो दोस्तों, हमने ऐसी गलती करने से बचना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक